रोमन कैथलिक के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस इतवार के रोज कनाडा के 5 रोजा दौरे पर मगरबी सूबे अल्बर्टा के शहर एडमंटन में पहुंच गए हैं। इनके इस दौरे में खास मकसद रोमन कैथलिक चर्च में मिशनरियों के मुकामी बच्चों के साथ नारवा सलूक पर माजरत तलब करना है। कनाडा में चर्च से मुत्तसिल नाम नहाद रहायशी स्कूलों में गुज़श्ता बरसों के दौरान में तालीम हासिल करने वाले मुकामी बच्चों के साथ पादरियों की बदसलूकी के वाकयात की परेशान इत्तला'आत सामने आती रही है और मुकामी लोग इन गलत कार्रवाइयों पर रोमन कैथलिक चर्च से माफी का मुतालबा कर रहे हैं। एडमंटन पापाए रोम के कनाडा के दौरे का पहला पड़ाव है, इसके बाद वो दो और मुकामात पर जाएंगे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बानिफ्स नफीस दूसरे हकाम के साथ पोप का खैर मुकदम किया है। पोप व्हील चेयर पर थे, उनके अजाज में इस्तकबाल या तकरीब देसी ढोल पीटे गए और नारेबाजी की गई है। एक के बाद एक मकामी रहनुमाओं और जमाने पोप का इस्तकबाल किया और तहारत का तबादला किया। पोप ने रोम से अपने हमरा तैयारी में सवार सहाफियों को बताया है कि ये एक तपस्याती सफर है। उन्होंने खास तौर पर बूढ़े लोगों और दादा दादी के लिए दुआओं पर जोर दिया। वाजिया रही कि कनाडा के मकामी गुरुओं माफीनामे के सिर्फ अल्फाज से ज्यादा की तलाश में है। वो इन बच्चों की किस्मत के बारे में जानना चाहते हैं और चर्च आर्काइव्स तक रसाई का मुतालबा कर रहे हैं। जो अकामत स्कूलों से कभी घरों को नहीं लौटे, वो इस्तेहसाल करने वालों को इंसाफ के कुटहरे में लाने, मुतासरीन को माली मुआवजा देने का मुतालबा कर रहे हैं और वेटिकन म्यूजियम में मौजूद देसी नवाद रात की वापसी भी चाहते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेटी 6 के ग्रैंड चीफ जॉर्ज अर्सन जूनियर ने कहा है कि ये मासरत हमारे तजुर्बात की तौसीक करती है और चर्च के लिए दुनिया भर के मकामी लोगों के साथ मजरूह तालुकात पर मरहम रखने का मौका फ्राहम करती है। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होता, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ये एक आगाज है। जाहिद नजीब भट्टी चेयरमैन पीएमयूसी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि एमएनए और एमपीए की सियासत में अकलियतों को कुछ नहीं मिलेगा। हालात के साथ साथ जरूर चलें, अपनी अकलियतों की बेहतरी के लिए लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती निजाम के इलेक्शन का हिस्सा बने। अपनी आबादियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल काउंसिलर, अकलियती काउंसिलर का इलेक्शन लड़ें, क्योंकि यूसी का एरिया भी छोटा होता है और कम फाइनेंस में इलेक्शन लड़ा जा सकता है। कनाडा के शहर ब्राम्पटन में पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर शहबाज भट्टी की मजहबी रवादारी के लिए और इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद तो और शहादत के इतराफ में एक पार्क का नाम शहबाज भट्टी के नाम मंसूब किया गया, जिसका इफ्तिताह ब्राम्पटन मेयर पैट्रिक ब्राउन ने किया। इफ्तिताह के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी पीपीपी कनाडा के सदर जावेद गुजर, जनरल सेक्रेटरी राव मोहम्मद ताहिर, नायब सदर खालिद गिल, पीपीपी टोरंटो के सदर एहसान खोखर, जनरल सेक्रेटरी मुस्तक अकराम, नायब सदर जाज चौधरी, नायब सदर परवेज जान सात्रा और साबिक सदर पीपीपी टोरंटो लियाकत मलिक ने की और पैट्रिक ब्राउन और सिटी ऑफ ब्राम्पटन का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में पाकिस्तान डिप्टी कौंसल जनरल यासिर भट्ट और पैट्रिक ब्राउन के मुशीर नदीम मियां और कम्युनिटी के मेम्बरान ने शिरकत की। भारतीय रियासत गुजरात में मिलावट शुदा शराब पीने से 28 अफराद हलाक हो गए जबकि 60 की हालत खराब हो गई। हुकूमती अहलकार मुकेश परमार का कहना है कि मिलावट शुदा शराब पीने की वजह से हलाकतें जिला अहमदाबाद और बोटाड में हुई हैं। इन इलाकों में शराब पर पाबंदी है, तहाल ये बात नहीं हो सका कि शराब में कौन सा केमिकल शामिल किया गया था। रियासत गुजरात के पुलिस चीफ आशीष गुप्ता का कहना है कि शराब फरोख्त करने वाले चंद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। भारत में मिलावट शुदा शराब की वजह से अक्सर हलाकतें होती रहती हैं। यहाँ अक्सर शराब का नशा बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल शामिल किए जाते हैं, यहाँ तक के कीड़े मार जरई अदवाइयात भी शराब में शामिल की जाती हैं। कैथलिक यूथ हाउस खानसपुर अयोबिया में नेशनल मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कैथलिक यूथ हाउस खानसपुर अयोबिया में नेशनल कमीशन बराए सोशल कम्युनिकेशन के जेरे एहतमाम और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड फादर कैसर फेरोज के जेरे निगरानी 4 रोजा मीडिया ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम डायोसिस के 4 मीडिया के नुमाइंदों ने शमूलियत इख्तियार की। इस मौका पर मिस्टर इमैनुअल नीनो ने बताया कि हमें बाइबल मुकदस की सच्चाइयों और दुरुस्त तलफ्फुज़ को मीडिया के जरिए कैसे इस्तेमाल करना
चाहिए। फादर कैसर फिरोज ने सहाफत के मफहूम और सहाफती असूलों पर रोशनी डाली। मिस्टर अयाज गुलजार ने खबर लिखने का तरीका बताया और मजीद कहा कि हम मीडिया को कैसे चर्च की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अलमारूफ ड्रामा निगार और आर्टिस्ट असलम राव ने सहाफती आवाज़ और अदायगी पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि एक सहाफी को लोगों के लिए दुआ दवा और शिफा होना चाहिए। अलमारूफ फोटोग्राफर राज जलाल ने फोटोग्राफी के तरीके और रसूल वासिया किए। मिस्टर राज जलाल ने वीडियो प्रोडक्शन फॉर यूट्यूब और लाइट फॉर वीडियो शूट के बारे में मालूमात बहम पहुंचाई। फादर कैसर फिरोज ने अच्छी वीडियो बनाने के तरीकों से आगाह किया। फादर एंथनी अब्राज ने गुड न्यूज टीवी की तफसील के साथ रिपोर्ट पेश की और आर्च बिशप जोसेफ अर्शद और फादर कैसर फिरोज को ट्रेनिंग वर्कशॉप की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और ट्रेनिंग वर्कशॉप में बुलाने का शुक्रिया अदा किया। एजाज भट्टी ने सी टीवी फैसलाबाद की रिपोर्ट पेश की और आर्च बिशप जोसेफ अर्शद और फादर कैसर फिरोज का इस मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप के कामयाब इनकार पर मुबारकबाद पेश की और इसमें बुलाने का शुक्रिया अदा किया। आर्च बिशप जोसेफ अर्शद के दस्ते मुबारक से तमाम नेशनल मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप में शमूलियत अख्तियार करने वाले अफराद में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर फजीलत माब आर्च बिशप जोसेफ अर्शद ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए फादर कैसर फिरोज और उनकी टीम को कामयाब ट्रेनिंग वर्कशॉप के इनकार पर मुबारकबाद पेश की। यूथ मिनिस्टर ब्राय अकलीती अमोर जदौन जोसेफ ने दौरा डिस्ट्रिक्ट चित्राल के मौके पर वादी कैलाश रंबोर और बम्बोरित का दौरा किया और सियासी समाजी और मजहबी रहनुमाओं के साथ खसूसी मुलाकातें की। वादी बम्बोरित के नौ मुंतखब विलेज कौंसिल चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट शायरा और रामबोर में सियासी और समाजी रहनुमा शराफत शाह को विलेज कौंसिल रामबोर का नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई, जिसमें वादी कैलाश के रोड की तामीर और कैलाश में तरक्याती काम जेर बहस थे। इस मौका पर वादी रामबोर के मारूफ सियासी शख्सियत साबिक चेयरमैन सैफुल्ला भी मौजूद थे। इस मौका पर यूथ मिनिस्टर जदौन जोसेफ का कैलाश के लोगों ने भरपूर इस्तकबाल किया और वादी कैलाश में खुशामदीद कहा। डॉक्टर नईम नासिर ने कहा है कि जैसा कि आप गुड समेरिटन चर्च ऑफ पाकिस्तान की सारी टीम की खिदमत से बाखूबी वाकिफ हैं, एक बार फिर खुदा के खौफ में रहकर खुदा की मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपनी कौम की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हर रोज नए नए तरीकों के साथ मसीही कौम की मदद करने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपने लोगों की मदद की जाए। उन्होंने कहा है कि अमेजोन के नाम से आप सब वाकिफ हैं, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल इस जदीद कारोबारी निज़ाम के बारे में ये नहीं जानती कि वो अमेजोन पर लाखों रुपए कमा सकते हैं। अमेजोन का कोर्स काफ़ी महंगा है, जो कि सारे लोग इसकी फीस अदा नहीं कर सकते। इसलिए हमारी टीम ने ये फैसला किया है कि हम बेहतरीन टीचर्स को हायर करेंगे और चर्च बिल्डिंग में ये कोर्स अपने लोगों को मुफ्त करवाएंगे। इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए आपकी तालीम कम अज़ कम मैट्रिक होनी चाहिए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का 28वां इजलास हुआ, जिसमें बोर्ड के मेंबरान महर इश्तियाक अहमद, माजिद जहूर, आमिर जफर खान शामिल हुए, जबकि करामतुल्ला चौधरी और चीफ एग्जीक्यूटिव राफा हैदर ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में सबका इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग की तौसीख के साथ साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत की गई। इजलास में 2022 से 2023 के बजट की मंजूरी भी दे दी गई। आइंदा साल शहर की सफाई के लिए 15 अरब की रकम खर्च की जाएगी। गुज़श्ता वर्ष लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 14 अरब के बजट की मंजूरी दी गई थी। भारत में बिजली फराहम करने वाले अदारे ने शहरी को हजारों लाखों नहीं बल्कि 3 करोड़ भारतीय रुपए से जायद का बिल भेज दिया, जिसे देखकर मजकूरा शख्स बीमार हो गया। यह वाकया भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में पेश आया, जहां ग्वालियर की रहने वाली प्रियंका गुप्ता और उनके शोहर को इस वक्त शदीद झटका लगा, जब उन्हें 3 करोड़ जायद भारतीय रुपए का बिजली का बिल मौसूल हुआ। प्रियंका के शोहर संजीव का कहना है कि मेरे वालिद 20 जुलाई को मौसूल होने वाला बिजली का बिल देखकर बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। इतना ज्यादा बिल मसूल होने पर प्रियंका और उनके शोहर हकाम के पास गए और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। मध्य प्रदेश की हुकूमत के जेर इंतजाम पावर कंपनी ने इसे इंसानी गलती करार दिया और बाद अज़ा 1,300 रुपए का दुरुस्त बिल जारी किया।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनोरिटी विंग सिंध के सदर ओ एम पी ए डॉक्टर लालचंद अखरानी की बिलावल हाउस कोऑर्डिनेशन सेल के इंचार्ज लाल बख्श भुट्टो की ऑफिस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब की 67वीं सालगिरह के मौके पर केक काटा और उनकी लंबी सेहत याबी के लिए दुआएं भी की और कहा कि पाकिस्तान की अकलियतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर कामयाब करवाने में अपना किरदार अदा करती रहेंगी और हर मुश्किल घड़ी में अपने कायद के साथ वफादारी निभाती रहेंगी। उम्मीदवार बराए जनरल काउंसलर यूसी कैटल कलोनी वार्ड नंबर 3 कमाल नजर हुसैन, सीनियर रहनमा पीपीपी मिनोरिटी विंग सुहेल सदीक भट्टी मोहम्मद अली, उम्मीदवार बराए अकलीती काउंसलर यूसी कैटल कलोनी कामरान वारिस खोखर, सजावल परवेज भट्टी, तारिक भट्टी, रमारियो पाल भट्टी, यूसी कैटल कलोनी रोड नंबर 5 और साफ पानी के मसले को मद्देनजर रखते हुए पानी के पंप की तनसीब का काम करवा रहे हैं। बात से आ रही कि गुज़श्ता 2 महीनों से रोड नंबर 5 मसीही आबादी और दीगर जगहों पर साफ पानी का मसला काफी पेचीदा था। पीपल्स पार्टी के जियालों की काविशों से मोटर पंप तंसीब कर दिया गया है और अहले इलाका को पानी फ्राहम कर दिया गया है। पंजाब में मसीही बरादरी की इबादत गाहों की सिक्योरिटी के बारे में एक सरकारी अदारा की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई एक मकामात पर अब भी चर्चों की सिक्योरिटी में खामियों की निशानदेही की गई है। काबिल एतमाद ज़राए के मुताबिक इस अदारा की टीमों ने सूबा भर में मजमूई तौर पर 1031 चर्चों की सिक्योरिटी के बारे में सर्वे किया, जिनकी महकमा पुलिस के रीजन के मुताबिक तरतीब ये है: लाहौर रीजन 96, शेखुपुरा 95, गुजरांवाला 100, रावलपिंडी 120, फैसलाबाद 60, सरगोधा 80, साहिबाल 103, मुल्तान 80, डेरा गाजी खान 170 और बहावलपुर रीजन 127। ज़राए के मुताबिक ये सर्वे हुकूमत पंजाब की हदायत पर किया गया था, जिसका मकसद तमाम इबादतगाहों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में मसीही बरादरी की इबादतगाहों की इससे ज्यादा तहम सर्वे टीमों ने रैंडम मसीही बरादरी की इबादतगाहों की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया है और इन इंतजाम का जायजा इतवार को गिरजाघरों में होने वाले इबादत के मौके पर लिया गया। सर्वे टीमों की रिपोर्ट्स में सिफारिश की गई है कि शेखुपुरा और गुजरांवाला रीजन में गिरजाघरों में सीसीटीवी कैमरों की तंसीब का काम काबिल सिताइश पाया गया है। ताहम इन कैमरों की तंसीब इस तरह करने पर आरपीओस पर जोर दिया गया है कि किसी मुमकिन वारदात के बाद ये कैमरे मुजरमान की गिरफ्तारी और ताकुब के लिए मावन साबित हों। लाहौर, मुल्तान और डेरा गाजी खान रीजन के गिरजाघरों में इबादत के मौका पर वॉक थ्रू गेट की तंसीब की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक पाई गई है। शेखपुरा, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिबाल और बहावलपुर रीजन में भी वॉक थ्रू गेटों के हवाले से मौजूदा सूरत हाल आरपीओज और सीसीपीओ लाहौर की फौरी तवज्जो के मुतकाजी है। सिफारिशात में कहा गया है मेटल डिटेक्टरों की दस्तियाबी के लिए भी लाहौर, शेखपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और डेरा गाजी खान रीजन के आरपीओज को फौरी तौर पर इकदाम उठाने की जरूरत है।